नमस्कार, हिंट24 टीवी में आपका स्वागत है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चढ़कर बोल रही है। आइए हम बात करते हैं जौनपुर के नवसृजित नगर पंचायत रामपुर। निकाय चुनाव आरक्षण की सूची जारी होते ही संपर्क साधने में जुटे हैं भावी उम्मीदवार। नवसृजित रामपुर नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही भावी उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। कोई निर्दल तो कोई पार्टी के सिंबल पर जीत दर्ज करने का भरोसा जता रहे हैं। वहीं पार्टी का सिंबल न मिलने पर मौका भी नहीं गंवाना चाहते, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों का रुख करने से नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल परिणाम जो भी निकले, भावी उम्मीदवार चौक चौराहों और चाय चट्टी के दुकानों पर मतदाताओं से संपर्क साधते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में जब चेयरमैन पद के प्रत्याशी शीतला प्रसाद जायसवाल से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर जनता ने चाहा तो गरीबों मजलूमों की आवाज बनकर वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा तथा विकास के कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हूं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के सुख दुख में हमेशा शरीक होना हमारा वादा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी और हमारे देवदूत जनता हम पर विश्वास जताकर हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। बताते चले कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर आरक्षण सूची अनपिछड़ा वर्ग जारी होते ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की होड़ मची हुई है। एक दर्जन से अधिक प्रत्याशी अपना भाग आजमाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। भावी उम्मीदवार अपना भाग आजमाने के लिए नगर वासियों से संपर्क साधते दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन पद प्रत्याशी मनीष जायसवाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का मंडल पदाधिकारी हूं और मैं लोगों के बीच में रहकर समाज सेवा कर रहा हूं। हमें विश्वास है कि पार्टी और जनता का आशीर्वाद सेवा करने के लिए जरूर मिलेगा। चेयरमैन पद के प्रत्याशी विनोद जायसवाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं दो बार प्रधान व प्रमुख प्रतिनिधि रहकर जनता का सेवा सेवक बनकर करता आ रहा हूँ। मेरे कार्य को सभी जानते हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चेयरमैन पद के प्रत्याशी छेदीलाल जायसवाल ने कहा कि मैं रामपुर का प्रधान रह चुका हूँ। मेरे ही प्रयास से रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। मेरे कार्य को बखूबी लोग जानते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जीत हमारी पक्की है। इसी क्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता आद्या प्रसाद गिरी ने कहा कि मैं कई वर्षों से समाज सेवा करता चला आ रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। चेयरमैन पद के प्रत्याशी महेंद्र जायसवाल ने कहा कि भाजपा पार्टी और तेतुल जनता का आशीर्वाद मिला तो नगर का विकास कर कायाकल्प बदल दूंगा। सपा नेता चेयरमैन पद के प्रत्याशी धीरेन्द्र उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि मैं कई वर्षों से पार्टी के निर्देश पर कार्य करता चला आ रहा हूं। मुझे पार्टी और जनता का आशीर्वाद सेवा करने के लिए जरूर मिलेगा। नगर पंचायत चुनाव संबंधित ताजा अपडेट पर बने रहने के लिए हमारे हिंद24 टीवी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।